तैयार है। जहां तक मौलाना फजल रहमान का एहतजाज है इस्लामाबाद में, हम समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो इनिशिएटिव है खुद लिया था, पहले ऐलान खुद किया था, और जब जहां के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़े वाजे और कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है एज फार एज धरना सियासत इस्लामाबाद, चाहे वो ताहिर कादरी का धरना हो, चाहे वो इमरान खान का धरना हो, चाहे वो तरीके लबेक का धरना हो, हम अपोजिशन में रहे उन ज़माने में, लेकिन हम खुद शरीक नहीं रहे। अब हम मौलाना फजल रहमान की सियासत से, मौलाना फजल रहमान के जो इश्यूज़ हैं जो वो उठा रहे हैं, वो वी सपोर्ट हैं, वी प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट, पोलिटिकल सपोर्ट फॉर हिज इनिशियटिव। स्ट्रेटिजिकली हमारे कोई स्ट्रेटिजिकली वी डोंट सी आई टू आई, तो मौलाना साहब जा रहा है इस्लामाबाद, हम भी उनको मॉरल सपोर्ट देते, और साथ साथ मेरा जो अवामी राबता मुहिम है जो पूरे मुल्क में होगा, मौलाना साहब इस्लामाबाद में होगा, मैं पूरा मुल्क में घूम रहा होगा, हमारा एक ही बयानिया होगा, हमारा एक ही स्टैंड होगा कि ये कठपुतली, ये ना अहल वजीर आजम जो धानली के जरिए इस मुल्क पर मुसलत किया गया है, उसने हमारा मईशत को तबाह किया है, उसने हमारा कश्मीर से लेके हर नेशनल सिक्योरिटी पोजिशन को कमज़ोर किया है, इस मुल्क उस वजीर आजम को, इस कठपुतली को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको घर जाना पड़ेगा।